नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। नरसिंहपुर, कांग्रेस पार्टी के तेंदुखेड़ा विधायक प्रत्याशी संजय शर्मा से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय जन कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। विधायक संजय शर्मा ने उनका स्वागत करते हुए धन्यवाद देते हुए सहयोग की अपेक्षा की। क्षेत्रीय जनों से मिल रहे व्यापक जन समर्थन के दौरान तेंदुखेड़ा विधायक प्रत्याशी संजय शर्मा ने कहा कि सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार एवं महिलाओं के लिए घरेलू उद्योग लगाकर रोजगार दिया जाएगा एवं कहा कि 20 वर्षों से प्रदेश अनाथ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सभी दुखी हैं। पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार हो रहा है, जो नौकरी कर रहे हैं वे ठीक से नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। व्यापारी वर्ग भी दुखी है। कमलनाथ सरकार ने रखा है कि उद्योग लगाकर प्रतिवर्ष 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। गन्ना नीति को केंद्र सरकार की नीति बताते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर गन्ना किसानों के लिए राशि में वृद्धि की जा सकती है। युवाओं और महिलाओं के लिए क्या प्रयास होंगे सर आपके? युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए घरेलू उद्योग। बहुत लोग परेशान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 20 साल से प्रदेश अनाथ हो गया। न पढ़े लिखों को नौकरी लग रही है, ना जिनकी नौकरी बेचारे अच्छे से नौकरी कर पा रहे हैं। व्यापारी अलग दुखी है। माननीय कमलनाथ जी ने रखा है कि 1 लाख लोगों को हम प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। 2 पद पंचायत में अलग से सृजित करेंगे। उन नौजवानों के लिए माताओं बहनों को अलग से छोटे छोटे लघु उद्योग लगवा के जिस क्षेत्र में जो होता है कृषि उपज, इससे उनको एक अच्छा लाभ मिल सके। नरसिंहपुर से खबर समय जगत के लिए राजेश नेमा जूनी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।